अमूमन देखा जाता है कि चोर को पुलिस पकड़कर थाने लाती है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सब हैरान हो गए। आज फरियादी जिसके घर चोरी हुई थी वही चोर को पकड़कर थाने लाया और पुलिस के हवाले कर दिया। मजे की बात तो यह है कि चोर ने अपना गुनाह कबूल किया है। हरदा सिटी कोतवाली अंतर्गत दूध डेयरी इलाके में 11 माह पूर्व इकबाल खान के घर चोरी हुई थी, जिसमें सोने के आभूषण चोर ले गया था, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन 11 माह बीत जाने के बाद भी पुलिस चोर तक नहीं पहुंच सकी थी। उधर फरियादी भी अपने परिजनों और दोस्तों के जरिए से चोर की तलाश कर रहे थे। आज उन्हें सूचना मिली कि तुम्हारे घर चोरी करने वाला चोर राजकुमार नदी किनारे पंपीजन के पास दोस्तों के साथ दारू पार्टी कर रहा था। सूचना मिलने पर फरियादी ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंचती उससे पहले फरियादी अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंच गया और चोर को पकड़ लिया। उससे पूछने पर चोर ने अपने गुनाह कबूल भी कर लिया, जिसके बाद उसे थाने लाकर पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। हरदा से आलोक पटेल की रिपोर्ट। रकम रखी वो तो हमारी पूरी रकम थी, वो तो बिल है मेरे पास होने की। हम रकम का क्या किया और रखी हुई है उसके पास, वो समझ जाएगी के बाद भैया को भैया है मैंने चोरी करी थी। क्या हुआ था आज, एक चोर को आप पकड़ के थाने लेके आए, क्या था मामला? सर मामला ऐसा था कि मेरे घर से 11 महीने पहले चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत मैंने हरदा सिटी कोतवाली थाने में किया था, और शिकायत करने बाद पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी, तो उसके बाद वो मऊ चले गया था दूसरे रोज ही चोरी करने के मामले में, तो मऊ में पकड़ा गया था। वो मऊ में पकड़ाने के बाद में कल छूटा है जेल से, तो हमको खबर लगी थी, तो आज हमने उसको पकड़ के लेकर आए थाने में करे हैं सुप्रा पुलिस वालों के। और हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा रकम जो भी पैसे जो लेके गया था वो, और वो हमें वापस मिले। उसने कबूल भी कर लिया है सारी बातें कि मैंने चोरी की है। आपने कहाँ से पकड़ की है? हमने फाइल में पपिंजन है वहाँ से पकड़ के लेके आए, वहाँ बैठ कर ये ड्रिंक वगैरह कर रहा था। अच्छा, आप स्वयं कितने लोग? हम 5 जने गए थे उसको पकड़ने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।